सबसे पहले मैं शेख आरिफ साहब का, उनके साहबजादे सलेमान आरिफ साहब का और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस ग्रेस का मुजाहरा किया, जिस करेक्टर का मुजाहरा किया, हम सबको मिलके इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कम्पीट करना और कम्पीट करने के बाद विद ग्रेस आप जिस बंदे से कम्पीट कर रहे हों उसको सपोर्ट करना, दैट बेसिकली शोज़ द करेक्टर ऑफ़ द मैन। तो मैं सलमान आरिफ साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके वालिद को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सजाद हैदर साहब मौजूद हैं, राना बाबर साहब मौजूद हैं, मेरा भाई शहबाज कसाना मौजूद है, हमारी बहनें मौजूद हैं, यह मेरा भाई समुंदरी से मौजूद है। एक इसने बड़ी ज़्यादती की है, मैं आखिरी बात करने से पहले, मैं और चौधरी असद महमूद साहब दोनों क्लास फेलो हैं और क्लास फर्स्ट से क्लास फेलो हैं, और चौधरी साहब मेरे से 2 माह बड़े हैं, चौधरी असद महमूद साहब। और मेरा भाई अली सरफराज साहब मेरे से और चौधरी असद महमूद से 2 साल बड़े हैं। ये दोवें नौजवान हो गए थे, मैंने बुजुर्ग बनाता जना। सर बड़ा शदीद एतराज, साल कर लो सर, 2 साल। चलो सर, हम साल पे इतफा करते हैं। हालांकि जस्ट टू बी ऑन अ लाइटर नोट, देखें मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी स्ट्रगल तमाम साथियों ने की, ये बुज़ुर्गों की, माओ बहनों की, आप तमाम साथियों की दुआओं की वजह से और आपके हौसले की वजह से था कि हम आज यहाँ तक पहुँचे। और आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँगा, मैंने कल भी ये बात कही थी वहाँ पर कि मैं कुरान पर हलफ नहीं दूँगा। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने कुरान पर हलफ दिया था उनमें से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनका हमारे इल्म में है कि जो सलूक उनके साथ किया गया उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो इस हलफ की खिलाफ वर्जी करते। इंसान हमेशा अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता है और मर्द अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता है। तो जो कमिटमेंट है खान साहब के साथ, अगर यहाँ तक आए हैं तो इंशाल्लाह आगे तक भी रहेगी। और मैं एक मरतबा फिर शेख आरिफ साहब को और सलेमान आरिफ साहब को मुबारकबाद के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से।